जम्मू में महालक्ष्मी का 300 वर्ष पुराना मंदिर दर्शन मात्र से ही होती है धन संबंधी समस्याएं हल, होते हैं हर मनोकामना की पूर्ति। सोपर पुलिस ने आज अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बीपीएल परिवार के बच्चों के बीच स्कूल की आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। कश्मीर में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब वेलकम टू कश्मीर फिल्म इस शुक्रवार जम्मू के पीवीआर सिनेमा में होगी रिलीज। डायरेक्टर तारिक भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए लोगों से फिल्म देखने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का असेंबली इलेक्शन को लेकर तीखा बयान, कहा चुनाव आयोग को इलेक्शन न करवाने को लेकर देना चाहिए जवाब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया अमरनाथ यात्री निवास और मैनेजमेंट सेंटर निर्माण का कार्य का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को जम्मू के सिद्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और अमरनाथ यात्री निवास का शिलान्यास किया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व प्रदेश के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रीनगर में छेड़छाड़ के मामले में स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में एक स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जर्मन इक्विपमेंट से अहम मुलाकात। यूपी तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने का न्योता। अगले 24 घंटे में अरब सागर में उठेगा चक्रवर्ती तूफान। गुजरात में पोर्ट को चेतावनी जारी। मॉनसून को लेकर अब पूरे देश में हाई अलर्ट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 2 दिन में केरल में मॉनसून के दस्तक की बात कही है। महाराष्ट्र में हथियार तस्करी कर रहे 2 गिरफ्तार। कारतूस मैगजीन समेत 17 पिस्तल बरामद। एमपी से कनेक्शन की होगी जाँच। थाने पुलिस की टीम ने प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी के साथ मिलकर 1 जून को 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 3 देसी पिस्टल, 6 मैगजीन और 4 कारतूस बरामद हुए।